फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्य हेल्थ केयर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्य। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है उससे आप कैसे गीले आटे की खास पट्टी बनाकर घर पर ही आराम दिला सकती है। तो चलिए जानते हैं कि गीली आटे की पट्टी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। अगर आप भी हाथ, पैरों, घुटनों और उंगलियों में होने वाले इस दर्द से परेशान हैं, तो हम आपको बता रहे हैं इस समस्या का घरेलू इलाज। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि जोड़ों में दर्द आखिर होता क्यों है। जोड़ों में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जोड़ों पर यूरिक एसिड का इकट्ठा होना, हड्डियों या जोड़ों में किसी भी प्रकार के विकार के कारण हड्डियों में दर्द और सूजन की दिक्कत। कभी कभी दर्द आपके अनुवांशिक कारणों से भी जोड़ों में दर्द होता है। कभी ये दर्द कमजोरी के चलते भी हो जाता है। दर्द के चलते लोगों की काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। ये दर्द उन जोड़ों में अधिक होता है जिन जोड़ों पर व्यक्ति ज्यादा निर्भर रहता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करना है आपको गीले आटे का प्रयोग जिससे आपके जोड़ों का दर्द दूर हो जाए। पुराने समय में जोड़ों के दर्द से जल्दी छुटकारा पाने के लिए गीले आटे का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए आपको आटे को उसी तरह गूंद लेना है जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं और इसे रोटी की तरह बेल लें या पट्टी नामा आकार में आपको बेलना है। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल आपको डालना है और हल्का इसे गर्म होने दें। तेल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर आप दो चुटकी हींग डाल लें। ध्यान रखना है कि तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, अन्यथा इसमें हींग जो होगी वो तुरंत ही जल जाएगी। अब थोड़ा गुनगुना हो जाने पर इस तेल को आटे की कच्ची रोटी यानी कि पट्टी पर आपको लगाना है और जिस जगह पर भी आपके दर्द की समस्या है इस पट्टी या रोटी को आप वहां पर लगाएं। इसे रोकने के लिए आप किसी भी कपड़े या पट्टी से इसको बांध सकते हैं। इस पट्टी को रात में सोने से पहले लगा लें और सुबह तक लगा रहने दें। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा तकलीफ होने पर नमक मिले हुए गर्म पानी से आप सिकाई करें और हल्के गुनगुने सरसों के तेल की मालिश करें। इसके अलावा आपको फास्ट फूड को छोड़ना चाहिए और तला भुना हुआ आहार भी आपको कम खाना चाहिए। आपको ऐसे आहार लेने चाहिए जिनसे आपको कब्ज का डर ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप जोड़ों के दर्द को आटे की एक पट्टी या फिर रोटी से दूर कर सकते हैं। ये काफी अच्छा घरेलू इलाज है, तो आज से ही इसे अपनाएं और अपने जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल भव्य हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।